का मनोज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले चक्षु प्रकाशन की है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 साल पेपर और साथ में आपको 3250 यानी टोटल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कराया गया है और उसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर आपका फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से टोटल आपके यहाँ पर 20 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, जिससे आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन भी मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं प्रश्नों का, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपके होंगे और तीनों सेक्शन को यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, तीनों टॉपिक की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। को जवाब देना है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो जो सलाल पन बिजली परियोजना है ये कहाँ पर आपकी किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर। कहाँ पर स्थित है ये? चिनाब नदी पर स्थित है, विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, यहाँ पर जवाब आ गया कह रहे तांबा के लिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का भी जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर होगा, असम में है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ 3 नंबर का भी बिल्कुल सही है। 4 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। 4 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? 4 नंबर का यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, गंगा तो है ही, गोदावरी भी है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड और चौथा लगाना होगा, चौथा नहीं है तीसरा है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा भी है आपका और कौन सा ब्रह्मपुत्र है, ये दो है ना हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड और थर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा, चेक कर लीजिए सभी का बी आ रहा है, 4 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, नागार्जुन जो सागर बांध है ये किस नदी पर बना है? जवाब हमारे बीच आ गया, यहाँ पर बताया जा रहा है कृष्णा नदी पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा, चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है। छह नंबर का बी, हाँ 1953 में, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ये बिल्कुल सही है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई हुई थी, याद रखिएगा। हाँ यहाँ पर तेजनिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले चढ़ा था 29 मई 1953 को। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पर क्या है? 7 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 7 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर बताया जा रहा है दल्ली राजहरा, 8 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जवाब देना है, पूछा गया है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ आपका सही नहीं है, है ना, कौन सा जोड़ आपका सही नहीं है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर का जवाब देना है, 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए सिपकिला दर्रा तो पहली बात उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आप कहेंगे बी, ये दूसरा वाला तो कन्फर्म हो गया कि दूसरा जो विकल्प है आपका ये तो हो ही नहीं सकता है, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, जिसमें दो और दो तो नहीं होगा, और देख लीजिए, हाँ ये भी हिमाचल प्रदेश थागाना नीसी नीतिपा, है ना, 9 नंबर का यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इसका भी सुमेल नहीं, ये वाला नागपुरा सिक्किम में है जो जिला जम्मू कश्मीर, तो सिर्फ यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका जोड़ सही नहीं दिया, बाकी सब सही है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का यहाँ पर स्थान है भूजल रिजर्व से आता है, 10 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और 10 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 80%, बिल्कुल सही जवाब है,
दस नंबर के यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, मतलब कौन सा आपको विकल्प बताइए पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। 11 नंबर दिया आपका हो जाएगा अनाई मुडी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं कहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं डंस। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा डी नंबर डंस है, यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है जिसे कहते हैं, और यहाँ पर जवाब आ गया है 14 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है दक्कन ट्रैप, है ना, बिल्कुल सही जवाब है 14 नंबर के यहाँ पर, आंसर आपका क्या होगा विकल्प नंबर बी होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा बताइए, 15 नंबर का अनाई मुडी है 2695 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, केरल में है, है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा अनाई मुडी लगा दीजिए, बस हो गया। प्रायद्वीपी भारत की सबसे छोटी ऊंची है 2695 मीटर, ठीक है ना, 2695 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। 16 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, लिखा हुआ है ना कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो माउंट कंचनजंगा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन माउंट नाग टिब्बा नहीं है। 16 नंबर का यहाँ पर क्या होगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है बाणासुर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया, बाकी सब है हिमालय बाणासुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है 18 नंबर का, देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं ए नंबर होगा, बहुत लोग सी भी मार रहे हैं, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना जो पूरी तरह से, है ना, जो पूरी तरह से भारत में स्थित है वो वाला प्रश्न आंसर आपको बताना, नंदा देवी यहाँ पर बताना होगा, ठीक है, नंदा देवी की जो ऊंचाई है, नंदा देवी इसकी ऊंचाई सभी को पता होगा, ऊंचाई इसकी है 7816 वर्ग मीटर है, आपको ऊंचाई इसकी है 7816 मीटर है आपकी, जो कोई उत्तराखंड में स्थित है, है ना, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए K2 तो है लेकिन ये पूरी तरीके से बोला गया था कि भारत में स्थित है, तो पूरी तरीके से भारत में स्थित ये नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आंसर आपको लगा के आना पड़ेगा राइट आंसर। हाँ ये देखिए K2 जो आप कंचनजंगा की बात करेंगे, है ना, ये सिक्किम राज्य में और भारत और नेपाल के बीच आपका है थोड़ा, तो इस वजह से आपका पूरी तरीके से पूछा गया तो नंदा देवी आपको लगा के आना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 19 नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 19 नंबर का जवाब देना है, तो इसमें आपका हो जाएगा माउंट यानी K2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, 20 नंबर का देखिए कमेंट करिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है अनाई मुडी, बिल्कुल सही है, कई बार प्रश्न करा चुके हैं, रिपीट हो रहा है बार बार। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पोन मुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है या किस शहर के पास स्थित है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइट आंसर क्या होगा, 21 नंबर का कमेंट करिए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए पोन मुडी जो दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है ना, ये किस शहर के पास स्थित है,
तो ये आपका तिरुवनंतपुरम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केरल की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सी जो घाटी है, मतलब कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो अराकू लिखा हुआ है यही हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपका स्थित नहीं है, बाकी तो भागीरथी है, करेवास भी है, काठमांडू, ये सब आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपकी क्या स्थित है। ठीक है, अराकू यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाँ यहाँ पर बताया जा रहा शिलांग चोटी, शिलांग पहाड़ियाँ है, शिलांग चोटी बात एक ही है। तो 23 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर आपको लगा के आना पड़ेगा, डी नंबर, शिलांग चोटी। ठीक है ना, आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा अरावली बताया जा रहा है, 24 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम पर्वत आपका अरावली है, जो कि विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए बताना है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, है ना, बहुत बार करा चुके हैं, अनाईमुडी, अनाईमुडी ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सबसे कम किसकी है, सबसे कम पूछा गया है, है ना, यहाँ पर बताइए सबसे कम क्या होगा। चलिए यहाँ पर मुकुट पर्वत बताया जा रहा है, जो कि ऊंचाई सबसे कम इन्हीं की है, मुकुट पर्वत की है, 26 नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, है ना, यहाँ पर लिखा के बीच सीमा पर स्थित है। तो अभी हमने जस्ट बताया था कि ये भारत और नेपाल, है ना, भारत और नेपाल की सीमा के बीच स्थित है, तो आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है, है ना। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जवाब देना है, तो सबसे अधिक बोला गया है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। 28 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 28 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं ऊटी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29 नंबर आपको बताना है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, हाँ यहाँ पर बता रहे हैं सैडल पीक, है ना, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सैडल, देख लीजिए सैडल आ रहा है आपका आंसर सभी का, 29 नंबर का सी नंबर है, सी नंबर है याद रखिएगा सैडल। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है दुनिया के सबसे बड़े 4 रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ पर स्थित है। देखिए ये एक प्रश्न जो है, यही प्रश्न ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, एक बार ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया था, ALP में, उसमें प्रश्न ऐसे पूछा गया था उसमें ऐसे पूछा गया था कि दुनिया के सबसे बड़े 4 रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण, है ना, लिखा हुआ था एक जो है कच्छ का रण, लिखा हुआ था कच्छ का रण, कच्छ का जो रण है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वहाँ राज्यों के नाम लिखे थे, उसमें गुजरात ऑप्शन दिया था, तो गुजरात सही था, तो कच्छ का रण यानी गुजरात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बहुत लोग 30 नंबर का सी मार रहे हैं, है ना, डी नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना है वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 31 नंबर का देखिए कमेंट करिए, 31 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो 31 नंबर का यहाँ पर विकल्प आपका जो होगा 31 का यहाँ पर सी नंबर होगा, है ना, 31 का सी है 25%। 32 नंबर बताइए, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश के शासित क्षेत्र में अवस्थित है। बिनसर का जंगल की बात हो रही है, 32 नंबर का जवाब देना है, तो 32 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा उत्तराखंड, कहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है कितना परसेंट है। 33 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपका है 21.54%। 33 नंबर का यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। 34 नंबर में ये आपके कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, सब ज़्यादा की बात करेंगे तो ये आपका है मध्य प्रदेश MP में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा।
चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। हाँ 35 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, बिल्कुल सही है। सीमेंट का देखिए यहाँ पर आपको बताना है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, 36 नंबर का जवाब देना है। हाँ यहाँ पर दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही जवाब है, है ना, यहाँ पर दूसरा स्थान आपका है भारत, क्या दूसरा स्थान है आपका, देख लीजिए सभी सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। चलिए ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न डाटा जो है काफ़ी ओल्ड पूछा जा रहा है ना, दिसंबर 2018 की जानकारी के अनुसार बताना है, तक जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा आयस का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए यहाँ पर दिसंबर 2018 की जब रिकॉर्डिंग पूछा गया है तो उसी हिसाब से बताना पड़ेगा कि उस टाइम पे यहाँ पर तांबा आयस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर था, कौन से राज्य में था। तो 37 नंबर का आपके यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर होगा, राजस्थान में था आपका। देखिए यहाँ पर देखिए 2019 के एग्जाम में 2012 का डाटा से प्रश्न पूछा गया, काफ़ी पुराना प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, 2012 तक की जानकारी के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो वहाँ पर इसका जवाब बताया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया था आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताना है कि यहाँ पर कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है, तो 39 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। डाटा देख रहे हैं 2014 के बाद पूछा जा रहा है, जब 2014 चल रहा था तब, अब प्रश्न 19 में पूछा गया था। चलिए 40 नंबर जवाब दीजिए, बालाघाट का मंजल खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है, बताइए किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? 40 नंबर का देखिए जवाब देना, यहाँ पर जवाब आ गया, यहाँ पर बताया जा रहा तांबा, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आपका होगा। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? 41 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं, एमपी होगा, कच्ची धातु उत्पादक पूछा गया है ना, तो 41 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? हाँ यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, झरिया झारखंड नहीं है, है ना, ये स्टील के उत्पादन संबंधित नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपको लगा के आना होगा, यहाँ पर आपको सी नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 44 नंबर का देखिए जवाब देना है, हाँ कोयला बिल्कुल सही है। चलिए 44 नंबर बताइए, 44 नंबर का देखिए कमेंट करना है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, है ना, बताइए भारत जो है किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? 44 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सबसे ज़्यादा सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, है ना, यहाँ पर बताइए कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, 45 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 45 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा किन्नौर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, 46 नंबर बताना है, तो देखिए बांग्लादेश है, पाकिस्तान, भूटान है, यहाँ पर श्रीलंका नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर बताइए, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, कह रहे हैं 7 देशों से लगती हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, है ना, टोटल आपके कितने हैं, 7 हैं आपके, 7 हैं, 7, 47 नंबर का बहुत लोग डी मार रहे हैं, 47 नंबर का सी नंबर आपका होगा, ठीक है ना, 7 देश हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है, 48 नंबर बताइए, ये घिरा हुआ है आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है, 49 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है,
दक्षिण पश्चिम से बताया जा रहा है उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर इशारा हो रहा है डी नंबर की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। यहाँ पर देखिए 50 नंबर का कमेंट करना और जवाब हमारे बीच आ गया है। 50 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, भूमध्य सागर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। 51 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, रबी की, खरीफ की और जायद की, है ना, तीन ही है क्या? हाँ तीन ही है, रबी, कांच लग गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प नंबर आपको लगा के आना है सी नंबर, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और कटाई होती है अप्रैल मई में, तो इस समय रबी की फसल की कटाई हो रही होगी, है ना। अगला प्रश्न बताइए, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, है ना। 52 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, 52 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है क्या होगा। 52 का आंसर बताया जा रहा है मासिनराम, मेघालय, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है, यानी वर्षा जो है कितने mm हो, है ना, तब मानेंगे कि वर्षा हुई है, काउंट किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2.5 mm का अगर वर्षा होती है तो मानेंगे कि बारिश हुई है। 53 नंबर का बहुत लोग भी मार रहे हैं, भी नहीं, आपका यहाँ पर सी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। चलिए 54 नंबर का जवाब देना है, भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है। चौवन नंबर का देखिए जवाब आ गया है, अरे यहां पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। अब इसमें भी काफ़ी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कोई रांची बता रहे हैं, है ना। अभी त्रिपुरा गिरा धानी अगरतला है आपका, ठीक है ना, अगरतला है सबसे नज़दीक। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा, है ना, 54 नंबर का सी आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का अक्षांशी विस्तार बताइए उत्तर से यहाँ पर उत्तर तक है, है ना। 55 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 55 नंबर के यहाँ पर 8 degree 4 minutes से 37 degree 6 minutes। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर बताइए प्रश्न अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, है ना, बताइए। 56 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ जवाब आ गया है, 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। असम से नहीं गुजरती, बात सही है, है ना, कह रहे असम से नहीं गुजरती, हाँ हम भी कह रहे असम से नहीं गुजरती है, इससे तो गुजरती है 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। देखो विकल्प में आपको लग रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो जिसमें ज़्यादा संख्या होगी उसको वरीयता देते हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जब, तो उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे जिसमें नंबर आप यहाँ पर आपके स्टेट क्या हो, ज़्यादा हो, ज़्यादा इसमें हमारा है ना, तो ज़्यादा वाला लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 57 नंबर पूछा गया, भारतीय मानक मेरेडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। 57 नंबर का देखिए जवाब देना है, 57 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, बिहार। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, 58 नंबर का देखिए जवाब देना है, याद रखिए कि 82 degree 30 minutes, है ना, ई यानी ईस्ट देशांतर, ठीक ना, यहाँ पर पूर्वी देशांतर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य यहाँ पर कौन सा है, 59 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 59 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे, यानी न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, सबसे कम वृद्धि हुई है, तो वो आपकी हुई थी नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 60 नंबर बताइए। तो 60 नंबर के यहाँ पर जवाब आ रहा है 20.09% बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 60 नंबर का आपका बी नंबर होगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, कब हुई? 61 नंबर बताइए। 61 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, 61 नंबर के यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पर सी होगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। निम्न में से कौन सी एक 2001-11 दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है, है ना? यहाँ पर बताइए 62 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपकी रही थी 17.64%, 62 का बी बिल्कुल सही है। 63 नंबर बताइए, भारत में जनांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, है ना? 63 नंबर बताइए, तो ये आपका है 1921, महाविभाजन का वर्ष 1921 यहाँ पर आपका होगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताना है भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में रहता है, मतलब भारत की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में रहता है? 64 नंबर का याद रखिएगा, लगभग आपका है 16%। है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर बताइए। चलिए 65 नंबर देखिए, आपको जवाब देना है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंटेज कितना है? स्त्रियों के परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है 48, कहीं कहीं तो 48 ऑप्शन लिखा रहता है, 48.46% आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? 66 नंबर का देखिए जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ गया है, 66 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे उत्तर प्रदेश बिहार, है ना? बिल्कुल सही है, 66 नंबर के यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना, मतलब कब तक ला देना? 67 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं 2045 तक, है ना? काफ़ी लंबा टाइम है अभी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? देखिए खंभात की खाड़ी में कौन सी नहीं मिलती है बताइए, कई बार हम कमा चुके हैं। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? साबरमती, तापी, माही तो मिलती हैं, फिर कौन सी नहीं मिलती? कोयना नदी। निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? बताइए कौन भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है, ताप्ती, है ना? 69 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकनी के नाम से भी जानी जाती है? हाँ पेन्नार, है ना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ पेन्नार बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत की नदी है आपकी, है ना? दक्षिण भारत की है, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? 71 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं सोन नदी, है ना? सोन, चलिए अगला प्रश्न बताइए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? है ना, नर्मदा निकलती है, उसके अलावा एक दूसरी नदी है वो भी अमरकंटक से निकलती है, उसका नाम बताना है 72 नंबर का, और 72 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं सोन। बहत्तर नंबर का डी आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? हाँ 73 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, और 73 का जवाब आ भी गया है, कह रहे हैं 73 का कावेरी बता रहे हैं, है ना? कावेरी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सतलज है ना, सतलज लगाएंगे। 74 नंबर का देख लीजिए, सी नंबर आ रहा है सभी का। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? 75 नंबर का देखिए जवाब देना है, यहाँ पर जवाब आ गया सोन नदी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 76 नंबर देखिए बताइए, ये आपकी कितनी है? गंगा है ना, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? 77 नंबर का देखिए जवाब देना है, ये कहा जाता है आपका दामोदर, ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है आपका लूनी नदी है। कौन सी नदी है ये? लूनी नदी है जो आपकी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। थार रेगिस्तान से कौन सी नदी होकर बहती है? लूनी नदी होकर बहती है, लूनी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? तो ये आपका गंगा, यमुना, सरस्वती। 79 नंबर का यहाँ पर जवाब बी नंबर होगा, जो कि आसान प्रश्न था आपका ये। चलिए आप बताइए, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत में शुरू होता है। हाँ ये तो हम बता ही चुके हैं, ब्रह्मपुत्र है ना। 80 नंबर का सी होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ना, ब्रह्मपुत्र होगा। अगला प्रश्न बताइए, 81 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? 81 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा, किस नदी का समागम अरब सागर में है? 81 का आपका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी का। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? कृष्णा है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कृष्णा आपका होगा, 82 नंबर का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? 84 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, और 84 नंबर का जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर आपका ब्रच्छनुमा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के यहाँ पर किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? 85 नंबर याद रखिएगा, ये नासिक से, कई बार करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? बताइए उकाई बांध जो है किस राज्य में है? बहुत बार ये भी प्रश्न आया एग्जाम में और उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग सही देंगे। बताइए उकाई बांध किस राज्य में है? अब इसे देखो, उकाई बांध को हम वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं, वल्लभ सागर कही है, उकाई बांध कही है, बात एक ही है और आंसर हमारे विचार चुका है। बिल्कुल सही जवाब है गुजरात बताया जा रहा है। बहुत लोग डी नंबर मार रहे हैं, महाराष्ट्र मार रहे हैं, महाराष्ट्र नहीं, उकाई बांध गुजरात में है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? 87 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है यहाँ पर क्या होगा, और 87 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पर बताया जा रहा, तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? 88 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 88 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं सतलज, है ना, बिल्कुल सही है, 88 नंबर का सी है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ 89 नंबर देखिए आपको बताना है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर 89 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं सी नंबर होगा, है ना, हीराकुंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 89 नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कुरनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कुरनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर जवाब क्या होगा 90 नंबर का, 90 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा, तमिलनाडु, क्या होगा, तमिलनाडु, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा 90 नंबर का बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, 91 नंबर का देखिए जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए श्री सैलम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, 91 नंबर का बताया जा रहा है कृष्णा नदी पर, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए यहाँ पर बताइए, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, 92 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है महाराष्ट्र में है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है, यहाँ पर डी नंबर होगा। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, 93 नंबर बताइए, तो ये आपका बनाया गया रावी, है ना, किस नदी पर बनाया गया है, ये रावी नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, 94 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, 94 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको बांध कहाँ पर मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। भारत का सबसे ऊँचा बांध कौन सा है, चलिए यहाँ पर बताइए, भारत का सबसे ऊँचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊँचा बांध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ, टिहरी बांध, है ना, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऊंचे की बात हो रही है ना, ऊंचा आपका टिहरी है, देखिए बड़ा लंबा ऊंचा तीन प्रकार के होते हैं ना, तो ऊंचा वाला पूछा तो टिहरी वाला आपको लग जाना है, ठीक है ना, ऊंचा क्या है आपका, टिहरी बांध है, याद रखिएगा, 95 नंबर के यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 95 प्रश्न थे जो कि कम्प्लीट हो चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके UP SSC के ही प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, है ना, पूरे के पूरे प्रश्न 95 ही प्रश्न थे आपके, है ना, 95 ही प्रश्न थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।